और सही मुस्लिम में मौजूद है कि इनके साथ जो कुछ किया गया आपको पता है, कत्ल करके किताबुल इमारा चैप्टर में देखें, हजरत आयशा ने जो वर्डिक दी है, इनकी लाश जो है गधे में बंद करके तो ये सब कुछ किया है बनू मैया ने, लाश जो है गधे में बंद करके तो ये सब कुछ किया है बनू मैया ने, लाश जो है गधे में बंद करके तो ये सब कुछ किया है बनू मैया ने। तो मम्मा बिन अबी बकर वो कत्ल में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं थे, ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में वो रवायतें मौजूद हैं, कत्ल उस्मान वाला चैप्टर निकाल लें, ये ऐन वक्त पे पीछे हट गए थे, ये शामिल जरूर थे। तो इससे ये तो पता चल गया ना कि अबू बकर की औलाद थी, कोई सबाई पार्टी नहीं थी। अच्छा जी सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है। जब मिर्ज़ा जी ने किताबुल इमारत देखने के लिए कहा, यह किताबुल इमारत है, किताबुल इमारत में इमाम नववी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाबु फजीलतिल इमाम अल आदिल व अकूबतिल जायर, इसके तहत हदीस नंबर है 4608। मैं पूरी रिवायत पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको ऐसी रिवायत दिखा भी दूंगा, एक नज़र देख लीजिएगा, आप अपने तौर पर भी तहकीक कर लीजिएगा। मैं अल्फाज मिर्ज़ा जी के एक दफा दोहरा देता हूँ कि और सही मुस्लिम में मौजूद है, उनके साथ जो कुछ किया गया वो पता था, कत्ल करके किताबुल इमारत चैप्टर में देखें, जो हज़रत आयशा ने वर्डिक्ट दिए, उनकी लाश जो है गधे में बंद करके ये सब कुछ किया है बनू मैया। अब्दुर्रहमान बिन शमासा बयान करते हैं कि मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कुछ पूछने के लिए गया, हज़रत आयशा ने पूछा कि तुम किन लोगों में से हो, मैंने कहा मैं मिस्र वालों में से हूँ, मैं यहां से जागने की जरूरत है, मैं मिस्र वालों में से हूं। हजरत आयशा ने पूछा तुम्हारा हाकिम जिहाद, तुम्हारा हाकिम जिहाद में तुम्हारे साथ किस तरह पेश आता है, मैंने कहा हमें उसकी कोई बात नागवार नहीं गुजरी, मैंने कहा हमें उसकी कोई बात भी नागवार नहीं गुजरी, अगर हमारे किसी शख्स का ऊंट मर जाए तो वो उसको ऊंट दे देता है, कोई गुलाम मर जाए तो उसको गुलाम दे देता है, किसी को खर्च की जरूरत हो तो वो उसको खर्च दे देता है। हजरत आयशा ने फरमाया, अरबी अल्फाज पढ़ रहा हूँ, अरबी अल्फाज, अम्मा अन्नहु ला यमनउन लदी फाल फी मोहम्मद बिन अबी बकर अखी अन उखबिरा का मा समीतु मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल। हज़रत आयशा ने कहा मेरे भाई मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ जो कुछ किया है, मेरे भाई मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ जो कुछ किया है मुझे इस हदीस को बयान करने से वो बात भी नहीं रोक सकती कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी घर के अंदर सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का जो शख्स भी किसी पर वाली और हाकिम हो और वो उन पर सख्ती करे तो तू भी उन पर उस पर सख्ती कर, और अगर वो उन पर नरमी करे तो तू भी उन पर नरमी कर। हज़रत आयशा ने कहा मेरे भाई मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ जो कुछ किया है इसके अंदर कहीं भी अल्फाज नहीं है जो मिर्जा जी ने कहा, वो जो हज़रत आयशा ने वर्डिक दी है, जो उनकी लाश जो है गधे में बंद करके ये सब कुछ किया, ये कहाँ है बनू मैया, ये कहाँ है। और फिर मिर्जा जी ने रिवायत पूरी क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि मसला ये था कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कह रही हैं मिम्मन अंता, तो किन में से है, फकुल तो रजुल मिन आहले मिस्र या आहले शाम, ओ तेरा ये है मिर्जा साहब। फिर वो कहते हैं कि किया क्या, ये किया सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ के सुना रहे हैं, ये पढ़ के सुना रहे हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत, बात आ रही है समझ में। और फिर आप ये देखें वो कहाँ है, वो गधे में लाश बंद कर देना और ये सब किधर, ये मिर्जा जी ने सही मुस्लिम के नाम से क्या करा, मिर्जा जी ने पता है सही मुस्लिम के नाम, मैं आपको बता मिर्जा जी के अल्फाज में बताता हूँ। मिर्जा जी ने मसला नंबर 175 ए पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्स इश्यूज के अंदर मिर्जा जी ने कहा है मैं आपसे चैलेंजनल ये बात करता हूँ कि कभी भी तारीखी झूठी रिवायतों को साथ जोड़े बगैर बुखारी मुस्लिम या कुरान पाक से कोई एब्सोल्यूट ऐसा रिजल्ट नहीं निकाल सकता कि जो हमारे अकायद में नजरियात के खिलाफ हो, मेरा चैलेंज है कोई मिसाल पेश करें, एब्सोल्यूटली कोई एग्जांपल पेश करें, एब्सोल्यूटली साथ जोड़ना पड़ेगा लाजमी, जोड़े बगैर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, वही मिर्जा जी ने नाम लिया सही मुस्लिम का, नाम लिया मिर्जा जी ने सही मुस्लिम का, लेकिन निकाला क्या मिर्जा जी ने, सुनो जरा बात मैं आपको बताता हूँ ताकि आगे भी कुछ ना रहे ना ये वसवसा ना रह जाए कोई मिर्जा जी का, ये मेरे हाथ में तारीख तबरी है, इसकी जिल नंबर 3 का ये सफा नंबर 383 था, 382 था, 385
मैं 382 का जो आपको इशारा दे रहा हूं वो इसलिए कि सनद यहां से शुरू हो रही है। सनद क्या है? अबू मखनफ बावास्ता मोहम्मद बिन यूसुफ बिन साबित अल अंसारी के जरिए मदीना के एक शख्स से नकल करता है। अब ये सनद है, सुनना जरा बात को। सफा नंबर 383 से वाक्य शुरू होता है कि जब किनाना बिन बिशर मारा गया, किनाना बिन बिशर उस्मान रदियल्लाहु के कातिलीन में से था, किनाना बिन बिशर मारा गया तो अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर लेकर मोहम्मद बिन अबी बकर की जानिब बढ़े, लेकिन मोहम्मद के साथियों को किनाना के कत्ल की खबर मिली तो वह सब साथ छोड़कर भाग खड़े हुए और मोहम्मद के साथ उसके साथियों में से चंद आदमी बाकी रह गए। यह कहां हुआ है? यह मिस्र में हो रहा है, जब वो बहसियत गवर्नर अली ने भेजा था। जब मोहम्मद ने अमर को सामने आता देखा तो मैदान से भागे और शहर की गलियों में जान बचाने के लिए भागते रहे, हत्ता के एक गली के किनारे पर एक टूटा हुआ मकान नजर आया, उसमें जाकर छुप गए और अमर बिन आस फिस्ताद शहर में दाखिल हो गए। यहां से जागे रहिएगा। मुआविया बिन खदीज, मुआविया बिन या मुआविया बिन अबी सुफियान कौन है? ज़हनों में रखना, ऐसी रस्सियां फेंक के मिर्जा सांप दिखाएगा कि बात छोड़ दो, ज़हनों में रखना है बात को। मुआविया बिन खदीज ने चारों तरफ मोहम्मद को तलाश किया, हत्ता के बाजार में कुछ लोगों के पास से गुजरा और उनसे सवाल किया, तुम्हारे सामने से कोई ऐसा शख्स गुजरा है जिसे तुम बुरा समझती हो? उनमें से एक शख्स ने जवाब दिया, नहीं अल्लाह की कसम यहां से कोई शख्स नहीं गुजरा, मगर हाँ मैं इस वीराने में अंदर गया था तो मैंने उसमें एक शख्स को बैठा हुआ देखा। उस पर इब्न खदीज ने कहा, परवरदिगार काबा की कसम ये वही शख्स है, ये सब लोग उसकी तलाश में चले और उस टूटे हुए मकान में पहुंचे और वहां से मोहम्मद बिन अबी बकर को पकड़कर बाहर लेकर आए। वो प्यास की शिद्दत में थे और उसको पकड़कर फिस्ताद के अंदर ले गए। अच्छा अब देखिएगा जरा बात, मोहम्मद बिन अबी बकर ने लोगों से कहा मुझे पानी पिला दो, तो मुआविया बिन खदीज ने जवाब दिया, अल्लाह ताला मुझे कभी एक कतरा पानी ना पिलाया अगर मैं तुझे पानी पिलाऊं। तुमने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को पानी से रोक दिया था, तुमने उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु को पानी से रोक दिया था और तुमने उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु को रोजे की हालत में जबकि उनका खून हराम था शहीद किया। अल्लाह ने उन्हें मेहर लगा हुआ जो है वो जन्नत का यानी मशरूब पिलाया। अल्लाह की कसम ए मोहम्मद बिन अबी बकर, मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूंगा, तुझे अल्लाह खोलता हुआ पानी और जहन्नमियों की पीप पिलाएगा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जवाब दिया, ए यहूदिया के बेटे तेरी आरजू हरगिज़ पूरी नहीं होगी, ये तो अल्लाह ज़बरजल्ला के हाथ में है, वह अपने दोस्तों को पानी पिलाएगा और अपने दुश्मनों को प्यासा मारेगा, मसलन तू और तुझ जैसे अशखास जो उस्मान से मोहब्बत करते हो। अल्लाह की कसम अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो तुम में से एक की भी बात ना सुनता। मुआविया बिन खदीज ने मोहम्मद बिन अबी बकर से कहा, तू जानता है मैं तेरे साथ क्या सुलूक करूंगा, मैं तुझे गधे की खाल में सीऊंगा, मैं तुझे गधे की खाल में सीऊंगा फिर उसे आग में जलाऊंगा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ ये सुलूक करोगे तो हमेशा से अल्लाह के दोस्तों के साथ यही सुलूक होता आया है और मुझे उम्मीद है कि जो आग तू जिस आग पर तू मुझे जलाएगा अल्लाह उसे मेरे लिए ठंडी कर देगा और उसे सलामती का जरिया बनाएगा, जैसे कि उसने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया था, और उस आग को तुझ पर और तेरे दोस्तों पर उसी तरह दहका देगा जिस तरह नमरूद और उसके साथियों पर दहका दी थी। अल्लाह तुझे भी आग में जलाएगा जिसका तूने अभी जिक्र किया और तेरे अमीर मुआविया को भी जलाएगा और उसे भी आग में जलाएगा। उस्मान रदियल्लाहु की तरफ इशारा और अमर बिन आस की तरफ भी इशारा किया, तुम सबको आग में डाला जाएगा, तुम हर वक्त भड़कती आग में रहोगे और जब तक वो हल्की होगी अल्लाह उसे मजीद भड़काए। मुआविया बिन खदीज ने कहा, मैं तुझे उस्मान के किसास में कत्ल कर रहा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जवाब दिया, तेरा उस्मान से क्या ताल्लुक, उस्मान ने जुल्म पर अमल किया और कुरान के हुक्म को पसे पुश डाल दिया, हालांकि अल्लाह ताला के इरशाद मुमल लम यहकुम बिमा अंजल अल्लाह फऊलाएक हुमुल फासिकून, और जो लोग अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसला ना करें वो फासिक हैं। हमने उसे इस जुर्म की सजा दी, इशारा उस्मान रदियल्लाहु की तरफ, हमने उसे इस जुर्म की सजा दी और उसे कत्ल कर दिया। तू और तुझ जैसे अशखास जो उसकी तारीफ करते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो वो हमें इसके कत्ल के गुनाह से पाक रखेगा और तू उसके गुनाह में उसका शरीक होगा और तेरा अंजाम भी वही होगा। रावी कहता है कि मुआविया बिन खदीज गुस्से से भर गया और उसने आगे बढ़ के मोहम्मद को कत्ल कर दिया, फिर उसे गधे की खाल में लिपेट कर आग में जला। यह है पूरा। सुने जरा बात को, कतई नजर इसके, अभी हम इसकी सनत पर बात करेंगे, यही बजाय मैंने देखो पहले सनत की तरह इशारा दिया था। कतई नजर इसके, मुदई लाख पर भारी है गवाही तुझ बेगैरत की,
सुनो जरा बात को, बड़ा बेगैरत आदमी है, मिर्जा से बड़ा बेगैरत कोई है। मैं आपको सही बात, हमें अल्लाह हमें माफ करे, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ रहा है यार, हमारा ज़मीर गवारा नहीं कर सकता अल्लाह की कसम, वो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ रही हैं इस बदबख्त आदमी की वजह से। फिर कहते हैं हक बयान नहीं करते, तो यार अल्लाह की कसम है जुल्म है। क्या हमें मोहम्मद बिन अबी बकर के लिए पढ़ना पड़ रहा है, क्या हमें उस्मान माविया अमर बिन आस व दीगर हजरात के लिए पढ़ना पड़ रहा है? आप अंदाजा करो कद्दाब और दज्जालों की रिवायात। लेकिन जरा लुत्फ की बात आप मुलाहजा करें, मिर्जा जी आगे क्या कहने लगे हैं। मिर्जा जी आगे कहते हैं तो मोहम्मद बिन अबी बकर कत्ल उस्मान में नहीं थे, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में रिवायत मौजूद है, कत्ल उस्मान वाला चैप्टर निकाल लें, ये ऐन वक्त पे पीछे हट गए थे, ये शामिल जरूर थे लेकिन कत्ल उस्मान में शरीक नहीं थे। लेकिन क्या मिर्जा जी जिस रिवायत की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं वो साबित नहीं करती कि मोहम्मद बिन अबी बकर कातिल उस्मान, और ऐसा कि वो उस्मान रदी अल्लाह को नाउज़ु बिल्लाह फासिक समझ रहे हैं, वो उस्मान रदी अल्लाह तआला को कत्ल कर रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि हाँ मैंने उसको कत्ल किया और इस सजा में कत्ल किया जो उसने किया, तो फिर मिर्जा जी ने पूरी रिवायत क्यों नहीं पढ़ी ये भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अब इसके बाद आप आगे देखें, मसला यह है रिवायत बयान की है अबू मिखनफ ने बावास्ता मोहम्मद बिन यूसुफ बिन साबित अल अंसारी, बावास्ता मदीने का एक शख्स, कौन? तेरे पनवा सवाल, मिर्जा जी और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से हमारा आज 53वां सवाल है। मिर्जा जी अपने दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे का पूरा जोर लगाएं और इसकी सही मुत्तसिल सनद लाके दें, ये कौन है ये मदीने का एक शख्स जो ये बात कर रहा है, ये मजहूल, मजहूलुल इस्म, मजहूलुल हाल, ये कौन आदमी है कि जिसने ये बात बयान की है, और उससे मोहम्मद बिन यूसुफ बिन साबित अल अंसारी, इसके बारे में तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, और उससे बावास्ता अबू मिखनफ लूत बिन या अजदी कज्जाब दज्जाल जलवा शिया, वो इस रिवायत को बयान कर रहा है। आप अंदाजा तो करें कितने मजे से मिर्जा साहब इस रिवायत को पढ़ के सुना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम के अंदर तो था नहीं, तारीख तबरी में था, और रिवायत झूठी है, और अल्लाह की कसम एक एक लफ्ज साबित करता है रिवायत के मतन का कि इसको मोहम्मद बिन अबी बकर, माविया बिन खदीज, ये सैयदना उस्मान वगैरह सहाबा ताबीन की तरफ इन अल्फाजों को मंसूब भी नहीं किया जा सकता। कैसे बदबख्त लोग हैं कि वसवसा दे के पीछे हटते हैं और कहते हैं कि जी ये हक बयान नहीं करते, तुम रिवायत पूरी क्यों नहीं सुनाते? सुना और देखें, सुनेगा जरा बात को, फिर जरा माविया बिन खदीज का मामला भी सुने। मैं आपको बताऊं जरा बात, कहां से आया है तुम, कहा अहले मिस्र में से हो, जरा ये ध्यान में रखिएगा बात को, ये मेरे हाथ में तारीख इब्न कसीर है, इसकी जिल नंबर 8 है, सफा नंबर 832 है। माविया बिन खदीज अल खौलानी अल मिस्री, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अक्सर मौरखीन के कौल के मुताबिक बुलंद कदर सहाबी हैं, बुलंद कदर सहाबी हैं, अरे इब्न हब्बान ने सिका ताबीन में आपका जिक्र किया है, और पहला कौल सही है, और पहला कौल कि माविया बिन खदीज क्या है, सहाबी है, ठीक है। आपने फतह मिस्र में शमूलियत की और आप ही हजरत उमर रदियल्लाहु के पास इस्कंदरिया की फतह की बशारत लेकर आए थे, और हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराहा के साथ बरबरियों की जंग में भी शामिल हुए, और उस रोज आपकी एक आंख भी जाती रही थी यानी शहीद हो गई थी, और बिलाद मगरब में बहुत सी जंगों को आपके सुपुर्द किया गया, और हजरत अली रदियल्लाहु के जमाने में बिलाद मिस्र में यानी आप यानी फतवाहत में थे, आप सैयदना उस्मान रदियल्लाहु के तरफदारों में से थे, और आपने कुलियतन हजरत अली रदियल्लाहु की बैत नहीं की, और जब हजरत माविया रदियल्लाहु तआला ने मिस्र पर कब्जा किया तो आपने उनकी इज्जत की, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के बाद आपको मिस्र का नायब मुकर्रर कर दिया गया, उन्होंने अपने बाप के बाद वहाँ 2 साल नियाबत की, फिर हजरत माविया रदियल्लाहु ने आपको माजूल करके माविया बिन खदीज को अमीर मुकर्रर कर दिया, और आप हमेशा मिस्र में रहे, हत्ता कि उस साल यानी उसी साल में, इसी साल में जो हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने जिस साल का यहाँ पर जिक्र किया है यानी सन 52 हिजरी के, इसी साल में आपने वहीं वफात पाई, जिसका मतलब यह है कि जब हजरत आयशा ये कह रही है ना तुम्हारा मिस्र तुम्हारा अमीर तुम्हें क्या हुक्म देता है, तो मुराद उनका इशारा माविया बिन अबी सुफियान की तरफ नहीं है, किसकी तरफ है, माविया बिन खदीज की तरफ, और अल्लाह की कसम हमें बहस
معاویہ بن خدیج کے صحابی یا تابعی ہونے سے اس وقت نہیں ہے. بحث اس بات سے ہے کہ یہ یعنی کہ پہلی چیز تو یہ حضرت عائشہ کا اشارہ بنو امیہ کی طرف نہیں ہے, حضرت عائشہ کا اشارہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں ہے, حضرت عائشہ کا اشارہ مصر کے گورنر کی طرف ہے, اور مصر کا گورنر تا حیات زندگی کون رہا؟ معاویہ بن خدیج رہے. آپ اندازہ کریں معاویہ بن خدیج کو معاویہ بن ابی سفیان بنانے کی ایک ناکام کوشش, ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دو, پھر سمجھیں ذرا اس بات کو, اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے, ہم جان بوجھ کے بحث نہیں کر رہے ان کی صحابیت سے, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے وہ صحابی ہیں, تو پھر اگر وہ محمد بن ابی بکر کو مثال کے طور پہ ان کے اس قتل عثمان میں شرکت کے جرم میں اگر قتل کر دیتے ہیں, تو اس صورت میں معاویہ بن ابی خدیج کے اوپر کیا الزام؟ سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر معاویہ بن خدیج کے اوپر کیا الزام؟ اور میرے بھائی کیا ظلم ہے کہ جس کی صحابیت کی بحث موجود ہو اس کا تو نام تک نہیں لینا, اور محمد بن ابی بکر جو 10 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہوں انہیں زبردستی صحابی بنانے کی کوشش کرنا کس لیے؟ میں بتاتا ہوں, اس لیے کہ آگے جا کے مرزا صاحب اب دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. تو محمد بن ابی بکر قتل میں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں تھے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے, قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں, یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے, یہ شامل ضرور تھے. تو اس سے یہ پتہ تو چل گیا نا کہ حضرت ابو بکر کی اولاد تھی, کوئی سبائی پارٹی نہیں تھی. دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکا کھلا, اندازہ کریں کیسا دھوکا دیتا ہے کہ بس کسی طرح صحابہ یا صحابہ کی اولاد کو, نعوذ باللہ صحابہ کا قاتل ثابت کرو, صحابہ کے خلاف کھڑا دکھاؤ, کسی طرح مرزا جی کے آبا و اجداد کا ذکر نہ آ جائے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اور الحمدللہ ہم نے اس عنوان سے کہ کیا محمد بن ابی بکر قاتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اس حوالے سے ہم نے پوری وضاحت کی کہ الحمدللہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قاتل عثمان میں سے نہیں. اچھا جی, تو یہ تو بات ثابت ہو گئی نا کہ وہ سوائی پارٹی. الحمدللہ ہم نے اس حوالے سے ویڈیو بنائی ہے, امیر المومنین سید عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کون تھے, اور ہم نے اس کے اندر ثابت کیا ہے کہ وہ سوائی پارٹی ہے نا, مرزا صاحب کے آبا و اجدادی تھے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.